हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ यास्मीन। आमिर खान की फिल्म ठग्स ऑफ हिंदुस्तान से फैंस को बेहद ही ज्यादा उम्मीदें थी, लेकिन ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह जा गिरी। 300 करोड़ के बजट में बनी ये फिल्म भारत में 150 करोड़ भी पार नहीं कर पाई थी। और अब लीजिए, आमिर की ये फिल्म चीन में रिलीज हो गई है और वहां भी इस फिल्म ने घटिया शुरुआत की है। लगता है फिल्म के मेकर्स को ओवरसीज कलेक्शन में भी निराश ही होना पड़ेगा। बता दें कि चीन में आमिर खान की फैन फॉलोइंग को ध्यान में रखते हुए मेकर्स ने इसे वहां अच्छी खासी स्क्रीन्स पर रिलीज किया था। हालांकि फिल्म पहले दिन में 10,67,00,000 रुपए का ही बिजनेस कर पाई है, जिसकी जानकारी ट्रेड एक्सपर्ट तरण आदर्श ने ट्विटर के जरिए दी है। बता दें कि आमिर की सीक्रेट सुपरस्टार जैसी फिल्म जो भारत में अच्छा बिजनेस नहीं कर पाई थी, वो भी चीन में चल गई थी। हालांकि इस बार मामला थोड़ा उल्टा लग रहा है। दरअसल तरण आदर्श ने ट्विटर कर लिखा है कि आमिर खान चीन में बड़ा नाम है और दंगल व सीक्रेट सुपरस्टार जैसी फिल्मों ने यहां अच्छा बिजनेस किया है। हालांकि ठग्स ऑफ हिंदुस्तान ने यहां हैरान कर देने वाली धीमी शुरुआत की है। तो देखा आपने, चीन में पहले ही दिन ठग्स ऑफ हिंदुस्तान ने कोई खास कमाल नहीं किया है। कहना गलत नहीं होगा कि आमिर की फिल्म चीन में पहले ही दिन पिट गई है। देखने वाली बात तो अब ये होगी कि क्या ठग्स ऑफ हिंदुस्तान आने वाले दिनों में चीन में ठीक ठाक बिजनेस कर पाएगी या नहीं। हमें कमेंट करके जरूर बताएं।